हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडएस मोटर्स। आज है 30 ऑफ सितंबर और आज हम निकल रहे हैं मुंबई गोरेगांव से मनाली के लिए बाय मुंबई टू चंडीगढ़। फिर हम मनाली रुकेंगे, फिर मनाली से जाएंगे कसौल और पीछे कुछ हमारे मेंबर्स सौरभ आए। हाँ वो ऐसे जोक कर रहे हैं, लोनावाला फ्लाइट से जाएंगे ना। सर को मनाली भी लोनावाला लगता है, ठीक है। सो छोटा सा वीडियो होगा, पार्ट्स में आएंगे। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी क्वेरीज है यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द कैब, कैब आएगी तो हम निकलेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं कैब में, पीछे साक्षी राकेश हाय करो, दिशा मैम ओके इधर है और बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं क्योंकि और हालत देख रहे हो बैग सब। सो निकलते, प्लेन एक घंटा डिले है ना, एक घंटा हो गया, एक घंटा। सो 6:55 का डिपार्चर है यहाँ से और पूरा शेड्यूल पैक है। चंडीगढ़ से हमें कैब पिक करेगी, वी विल गो टू मनाली, ओवर नाइट ड्राइव होगी। सो जो वीडियो है ये पार्ट्स में आएगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। सो पहुँचते हैं एयरपोर्ट, देन वी विल सी यू। सो वी हैव रीच्ड, सो वी हैव रीच्ड, राकेश भाई आ जाओ, साक्षी भी है पीछे, टर्मिनल वन, दिशा मैम आगे गई, आ जा। ये साक्षी है, इसका ना हमेशा पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे फोन पे का इश्यू आता है। साक्षी कुछ बोलना है? चलो तो आगे चलते हैं, चेक इन कराते हैं, फिर मिलते हैं। सो अभी कुछ हम ये बैग का स्टिकर है ना, बैगेज का स्टिकर लगा रहे हैं वहाँ से, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लाइन है। सो हम ये मशीन से कर लेंगे। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस है गो एयर का, लिटरली हम लोग यहाँ पर बैग रखने के लिए स्कैन करने के लिए इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, बट यहाँ के जो ऑन डेस्क है स्टाफ दे आर नॉट रेडी टू हेल्प, उनका बिहेवियर एकदम कैजुअल टाइप है। सो वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी देखते फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इनका मशीन बंद हो जाता है करते करते ही। क्या एक्सपीरियंस क्या बताओगे बैगेज को लेकर? हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट फर्स्ट ट्राई है तो अच्छा लग रहा है करते हुए। बट इनका सर्वर सिस्टम ही डाउन हो जा रहा है। हाँ बट वो तो होता है सबके साथ होता है ना, तो फिर वी कैन मैनेज थोड़ा तो करेंगे। ये पेड रिव्यू लग रहा है मेरे को, ये जमीन है बट फिर अब उनका सिस्टम रीसेट होने के बाद भी नहीं हेल्पिंग अस आउट ऐसा नहीं दे रहा। अरे बट हाउ दे आर हेल्पिंग, वी आर शाउटिंग देम देयर कमिंग, वो आदमी उधर ही होते हैं तो चिल्ला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखो बाकी के और बाकी लोग पीछे भी आ रहे, पीछे से आ रहे। राकेश तो कैसा लग रहा है, इतना संघर्ष के बाद में तेरा बैग फाइनल चले गया? यस मिल गया। ये लोग अभी भी संघर्ष करते हुए मिला, हो गया। चलो यहाँ से आके कराना पड़ा फाइनली, ऑप्शन था वो लोग ने बताया नहीं। अभी है ना बहुत बड़ा एक मुझसे गलती हो गई, आई थिंक मैंने 2 दिन पहले मेरा बाइक सर्विस कराई थी, तो मेरे बैग में ना बाइक का स्पार्क प्लग और आगे का ब्रेक पैड रह गया था। सो चेकिंग में ना वो लोग ने मेरा बैग ना साइड में रख लिया एंड दे वर लाइक कि इसमें कोई नाइफ जैसा कुछ तो है। सो मैं उसको दिखा रहा हूँ, सो ही वॉज आस्किंग क्वेश्चन, आज के टाइम पर कहाँ लगता है स्पार्क प्लग ये वो। मैं उसको बताया सर स्पार्क प्लग ही देखो, और सेकेंड वो जो ये था ना ब्रेक पैड्स पैक थे उसने आप खोल के दिखाए, तो उसको ओपन करके दिखाया, आफ्टर डैट उसने चेक किया फिर छोड़ा। मेरे बाकी के सारे फ्रेंड्स आगे निकल चुके हैं, मैं जाता हूँ आगे देखता हूँ। अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, लाइन में लगे ये साक्षी, ये राकेश, बाकी के लोग आगे खड़े। अभी स्टार्ट होगा, हो जाना चाहिए बोर्डिंग अभी तक तो। सो फाइनली हमारा ये बोर्डिंग हो चुका है, अब हम बोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते बैठते, ठंडी लग रही है अभी से, आओ निशा आ जाओ। मेरा सीट नंबर है 18F, ये है 6, रुको आगे चलना है। 7:24 नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टेक ऑफ का प्रोसेस अभी होने वाला है, दिखाते हैं। City lights on the other side, you're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me. So, अभी हम land हो चुके हैं, पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आएगा, पीछे plane है। तो टाइम हो रहा है अभी 9:32, कान के पर्दे बंद हो चुके हैं, मैंने टाइम पास जोगी जो दिलजीत का मूवी वो मैं देख के बैठा था। सो मैं जा रहा हूँ अभी, मैं अपना बैगेज कलेक्ट करूँगा और हम जो आगे का हमारा जो सफ़र है चंडीगढ़ टू मनाली
इट्स मनाली, सॉरी मनाली, वो हम बाय रोड कवर करेंगे। ओवरनाइट डिस्टेंस है 6 से 7 घंटे का ड्राइव है। वी हैव बुक का कैब, कैब मीन्स एक जो लोकल होता है और पैकेज का, इज गोइंग टू पिक अस, वो हमें पिक करेगा, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गो। अभी हम अंदर तो आ चुके हैं एयरपोर्ट के, अभी सबसे बड़ा टास्क ये बेल्ट नंबर 4 ढूंढना। आई थिंक ये 5 है सामने, ये 4 ले लेता हूँ, बैगेज कलेक्ट करता हूँ। मैं एक्चुअली पीछे से उतर गया, वो लोग आगे से उतर रहे हैं, सो सर्च करता हूँ और चंडीगढ़ एयरपोर्ट दिखाता हूँ आप लोग को कैसा है। देख रहे हो शांत मस्त चंडीगढ़, सही है, मतलब एरवली जैसा, मतलब सॉरी मुंबई जैसा ये नहीं है, हल्ला गुल सही है, अच्छा है। राकेश फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम फ्लाइट में थे तो क्या बोला गया, कलेक्ट योर बैगेज फ्रॉम बेल्ट नंबर 4, पीछे बेल्ट है बेल्ट नंबर 5, आधे लोग उधर खड़े आधे लोग इधर ही, ये सर्विस दे रही है गो एयर, गो फर्स्ट सॉरी। और एक घंटा लेट भी दिखाई, एक घंटा लेट भी हो गई, बैगेज के लिए भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया, आधे लोग कंफ्यूज है और देख सकते हो कितने लोग का बैगेज दे रही है, ऐसा ऐसा घूम रहा है। और दे इवन नॉट प्रोवाइड अस अ सिंगल वाटर बॉटल एज वेल, ओके, दे हैव प्रोवाइडेड अ वाटर इन अ कप, कप में। सो सी दिस इज द सर्विसेज व्हिच दे आर गिविंग अस, इतना पैसा चार्ज करके एक कप में पानी दे रहे हैं। इनफैक्ट सोचना बैगेज लेने के लिए भी लोग कंफ्यूज है, वहां से यहां, यहां से वहां कर रहे हैं। चंडीगढ़ है बहुत सही शांत एरिया है, सही है। अब 3-4 दिन फुल पंजाबी क्राउड मिलेगा, सही है, थोड़े बहुत पंजाबी सीखेंगे, गाली नहीं बोलना सीखेंगे। अभी हम हमारे कैब वाले को ढूंढ रहे, ये प्रीपेड टैक्सी वालों की तरह हम लोग यहाँ पर है, सो राकेश टैक्सी वाले से कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो ये है मिस डायरेक्शन दिशा, ये है साक्षी तरियाल, इनका ऑपोजिट सरनेम है साक्षी घड़ियाल, ये राकेश यादव। सो बेसिकली हम अभी गाड़ी में बैठे हैं चंडीगढ़ से और जा रहे हैं मनाली, 7 से 8 घंटे का सफ़र है। और भैया आपका नाम? अश्विनी कुमार। भैया हमें लेकर जाएंगे सेफली, अच्छा है, खाना ना खाएंगे अच्छे से, रात के जर्नी होगी तो ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करूँगा, खाना ना खाता होगा वीडियो दिखा के, फिर कुछ अच्छा दिखाने के लिए तो दिखाता हूँ। जिम्मेदार हवेली, एक ढाबा जो हम खाएंगे, और ये है हमारी आज की सवारी टोयोटा की इटियोस। अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा है, और ये भैया चला रहे हैं, भैया हेलो बोलो, भैया हमें घुमाएंगे पूरा मनाली ये सब, और ये कुछ आज की सवारी हमारी, हमारे साथ रहेगी 3-4 दिन, और यहाँ हम करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा। इनको लगी थी बहुत ज़ोर की भूख, दिशा मैम बताइए, और बाकी के लोग आए नहीं अभी तक, बहुत भूख लगी है, चलो सही है। और ये कुछ पंजाबी टच, अब खाना दिखाता हूँ। अभी आ रहा है पनीर, क्या था ये पनीर मखनी, नहीं पनीर मखनी जाने, पनीर मखनी, ये बटर रोटी, खाना खाने के बाद आ जाए। यहाँ पर मैंने एक बबूल का जो च्युइंगम होता है ना, जो मुंबई में 10 की मिलती है, आप पोलो या हॉल्स आता ना 10 का पैकेट, यहाँ पर मैंने इसका प्राइस पूछा, वो बोलते 30 रुपये। मैं बोला अरे यार कुछ तो MRP कुछ तो होगा, बोलते नहीं सर, कुछ लिखा भी नहीं, मेंशन भी नहीं, बोलते इंपोर्ट होता है, 30 का बेच रहे, लूट है लूट, मतलब 10 का सामान आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 में बेचोगे। और यहाँ पर एक चुंगम है बबूल का, जो तुमको बाहर आई थिंक 20 का मिलेगा, ये दे आर कॉस्टिंग इट 40 और 50, तो बच कर रहना। अपडेट्स, पेट्रोल के अपडेट्स, यहाँ का जो डीजल का रेट है वो इट्स 81 रुपीज़ है, शो यू 5000 का डीजल डालते हैं इसमें, नहीं 5 नहीं मतलब हो जाएगा, इनको हमने 5000 दे के रखा है, वो डिडक्ट हो जाएगा। रोड बहुत ही ट्विस्टी रोड्स है, मैंने डाला था वीडियो, अभी मैं आपको डायरेक्टली सुबह ही मिलता हूँ, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं दिखाने के लिए, रात भर तो जाएगा ऑलमोस्ट, सुबह के 6-7 तो बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। गुड मॉर्निंग, अभी हो रहे हैं सुबह के 4:10, और अभी हम है मंडी से 15 किलोमीटर
पहले, और अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ पर, ठंडी है, सबने स्वेटर वोटर ले लिया है, इधर ही चालू है, पहुँचते हैं, नींद तो आ रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और मैं दिखाता हूँ कुछ यहाँ का सिनेरियो कैसा है। ये कुछ कार हमारी, भैया थोड़ा आराम करते हुए, ये होटल है, यहाँ से हमने चाय लिया है, थोड़ा बहुत चाय पियेंगे। गुड मॉर्निंग, गर्म पानी में चावल उबलते हैं बाहर। सुबह का हाल है, ये कुछ लैंडस्लाइड्स हुए हुए, बहुत मतलब क्लियर हुए, देख सकते हो। अभी पूरा सिंगल लेन रोड रहेगा मनाली तक, सिंगल लेन रोड, ये रोड और साइड में ये खाई, और ये देखो पानी साइड में, खाई बाप रे, जस्ट लुक एट द व्यू। और ये बाजू में है ना नदी है, दिख रहा है ये देखो नीचे, और हम एकदम ऐसे से चल रहे, बहुत सही, ये नदी देख लो, और ये रोड का व्यू, भूस्खलन, हाँ। सो भैया अभी हमें 3 दिन मनाली घुमाएंगे, राइट भैया, मनाली और कसोल। बहुत सही व्यूज है, बहुत सही है, मुझे भी अच्छी लगा। सुबह सुबह ऐसा व्यू देखकर ना मजा ही आ गया, लाइक माउंटेन्स बाजू में, रिवर, न्यू प्लेस, न्यू पीपल, बहुत मजा आ रहा है, न्यू फ्रेंड। देखते हैं अभी तो मनाली पहुंचने में टाइम लगेगा, बट व्यूज देख के ना एकदम खुशी का अलग लेवल है, और लिटरली माउंटेन्स का हाइट भाई, ऐसे माउंटेन्स मैंने महाराष्ट्र में नहीं देखे, हाँ कसम। रोड एकदम नैरो, अरे रे हाँ कसम, एकदम अंधा टर्न है बेटा, फोन नहीं, इतना नैरो, ऐसे मैंने ईमानदार से बताओ वीडियो उसमें दिखता था। बंदर क्या बात कर रहे हो, आओ बेटा एग्जीक्यूटिव करो। अरे रे ये बहुत क्लोज था, और वो सामने ही, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ तो पड़ी हुई गाड़ी है, ले गया यहाँ पड़ी हुई गाड़ी। सो वी आर इन मनाली नाउ, और ये सामने आपको घर दिख रहा है, ये कंगना रनावत का घर है, उसका फार्म हाउस ये वाला, और व्यू देखो यार, हमारा होटल यहाँ पर नियर बाय ही है, वी आर सर्चिंग फॉर द होटल, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर ऊपर हमारा होटल है, और यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ, वो देखो ग्लेशियर्स विजिबल है, और उसी साइड में आता है हमारा रोहतांग पास, उसी साइड में आता है, और यहाँ से ऐसे ऊपर जाओगे ना पीछे की तरफ से तो कंगना रनावत का ऊपर फार्म हाउस है। सो दिस इज़ द रूम विच वी हैव गॉट, अंदर एक दोस्त गया हुआ है, ये राकेश भाई है, हेलो ये रूम मिला कि नहीं बता दो, और लुक एट द व्यू फ्रॉम यहाँ, दिख रहा है सामने पहाड़, और ये सामने है ना पूरा एप्पल की, एप्पल होते हैं, एप्पल की खेती है, एप्पल फार्मिंग बेसिकली, वहाँ पर एप्पल लगे हुए, उस पेड़ पर दिखाऊँ, जूम करता हूँ, दिख गए, यस। सो
ये है, अब मैं बताता हूँ ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि हमारा जो होटल है वो बाजू वाला होटल है उस साइड में पीछे की तरफ, लेकिन वहाँ पर जो दो रूम थे वो अभी तक चेकआउट नहीं हुए। सो उसने क्या किया, उसने हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फ्रेश होने के लिए येलो रूम दिया। सो वी विल बी गोइंग टू डैट रूम और वी विल बी सेटिंग ओवर देयर। फिर हम 3-4 घंटा सोएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ घूमने। सो ये है हमारा होटल दी हिडिंबा रिट्रेट। और हम लोग को इस होटल में दिया हुआ था थोड़ा देर के रुकने के लिए, आगे ना उसमें फ्रेश होने के लिए। सो मैं राकेश, हम लोग ये वाले होटल में जा रहे हैं हिडिंबा रिट्रेट। वो देखो राकेश, मेरी हालत भाई इधर रोड थोड़ा गंदा है बट सही है। जाते ये वाले होटल में और चेकिंग करके आपको रूम टूर देता हूँ, फिर हम फ्रेश होंगे और फिर आज का वीडियो एंड करते हैं रूम टूर देने के बाद। सो ये हमारा कुछ रूम इस तरह दिखता है, यूज वॉशरूम यूज है काफी ज्यादा, सही है, अच्छा बेस्ट है। राकेश हाय गाइस, हेलो। ये कुछ अच्छा मिला है ना, लोकेशन भी अच्छी है, कबर्ड, टीवी, बेस्ट थिंग वीकेंड, हम यहाँ पर आराम से खाना खा सकते हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू ऑफ दिस। वहाँ से ग्लेशियर्स दिखते हैं सामने, वहाँ पर यह है रोहतांग पास, दिख रहा है स्नो। और हम लोग फुल पहाड़ों के बीचों बीच, कैसा लग रहा है राकेश? गैलरी बड़ा, और यहाँ पर सब एप्पल की फार्मिंग होती है, सामने एप्पल दिखेगा यहाँ पर भी, दिख रहा है। और हमारा जो पहला होटल था वो ये रोड से, थोड़ा रोड कच्चा है लेकिन सही है। और पीछे का व्यू देखो आप, पीछे का। सो दिस इज हाउ दिस रूम लुक्स। सबसे बेस्ट बात, आपको यहाँ पर रूम में ना चाय कॉफी ये सब बनाने के लिए दिया जाएगा, यू कैन मेक इट बाय ओन, कप भी दिया गया है। एंड दिस हमें सिलेक्ट करने के लिए होटल के 2-3 ऑप्शन दिए थे, तो दिस होटल सिलेक्टेड बाय मिस्टर राकेश। राकेश सही है लोकेशन, बाकी लोग तो दिस होटल रूम कैटेगरी सुपर डीलक्स, सुपर डीलक्स, बाकी लोग का अलग अलग है बट मुझे जो व्यू पसंद है वो आगे का। हम लोग अभी 3rd फ्लोर पर रुके हुए हैं राकेश, नीचे का मैं डाइनिंग एरिया भी दिखाता हूँ आपको। और ये आपका 1st फ्लोर पर आपका डाइनिंग एरिया है, वेर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये है ब्रेकफास्ट का, यहाँ पर बूफे लगता है। और ये है कुछ इस तरह ब्लॉगिंग, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, सराउंडेड बाय गुड नेचर, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन विच आई हैव सीन, बेस्ट।